Assalamu alaikum friends, so this is Tamseel Khan और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है YouTube पे। तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। साहब आपको बताया कि कल हमारे जलतन यानी 22 अगस्त को सबको पता होगा कि हमारे साथ क्या हुआ है। तो भाई साहब किसके कितने कितने मार्क्स आए हैं, और मुझे पता है खाला की बेटी हो या कज़न हो आपकी जो कि लड़की हो तो उसके आपसे ज़्यादा होंगे मेरे ख्याल से, आप भी मेरे ही भाई। तो भाई साहब उसके ज़्यादा है ना, तो आपके कितने होंगे, आपके भी उससे कम होंगे, मेरे साथ भी इसी तरह हुआ है। दरअसल मैंने अपने कज़न के साथ खाले की बेटी के साथ चैलेंज लगाया हुआ था कि मैं उससे ज़्यादा मार्क्स लूँगा, बट इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैंने खुशफहमी मैंने पा ली थी कि मुझे पता था मैं ज़्यादा मार्क्स। क्या बोला तूने? बस फिर क्या हुआ भाई साहब, थोड़ा सा जेलस हुआ, थोड़ा सा गिंदी फील हुआ मुझे। और उसके बाद दूसरी मेरी कज़न थी जो कि लड़की थी, उसके साथ भी मैंने शेयर लगाया था, उसके 9 मार्क्स मुझसे ज़्यादा थे। 9 मार्क्स, पता है मेरे मार्क्स कितने थे? मेरे मार्क्स थे 316 यानी 316 मार्क्स थे मेरे। तो मेरे दूसरे कज़न के कितने मार्क्स थे आपको पता है, जो खाला की बेटी थी जिसके साथ मैंने पहले शेयर लगाया हुआ था, तो उसके जो है मुझसे पूरे 40 मार्क्स ज़्यादा थे यानी 40 मार्क्स। और उसके टोटल मार्क्स थे मेरे ख्याल से 353 यानी 353। और जो मेरी दूसरी कज़न थी उसके मार्क्स थे 325। तो गजब बेइज्जती हुई आपका, आपके भाई की बहुत गजब बेइज्जती हुई है। आपको पता भी नहीं होगा कि मेरी कितनी बेइज्जती हुई है, सही है, इतनी बेइज्जती हुई है। मैंने पहले खाला ने फ़ोन किया है मुझे, जो जिसकी बेटी थी, तो उन्होंने वो पहले टेंशन में थी क्योंकि मैंने पेपर में बहुत अच्छी तरह दिए थे, तो वो टेंशन में थी कि हाँ इसके मार्क्स मेरे बेटी से ज़्यादा आएंगे। तो इस तरह कुछ भी नहीं हुआ, वो टेंशन में थी। जैसे मैंने अपने मार्क्स सुनाए ना, तो उन्होंने कहा मेरा दिल खुश हो गया, मेरी बेटी के मार्क्स तुम्हारे बेटे से ज़्यादा है, तो वो खुश हो गई। ऊपर से वो जो दूसरे मेरी कज़न थी वो भी खुश हो गई बिकॉज उसके मार्क्स भी मुझसे ज़्यादा थे। तो आपका भाई फिर से सबसे नीचे आ गया। अच्छा, मैंने फिर से उन लोगों के साथ चैलेंज लगाया था कि हाँ 10 के बाद 10 जो अभी हम एडमिशन करेंगे यानी क्लास शुरू होंगी तो उसमें आपका भाई फुल नंबर लेगा इंशाल्लाह से। तो मेरे चाचू ने क्या कहा कि तुम पहले मोबाइल से पहले टीचर चलाओ, उसके बाद फिर तुम पढ़ाई करना, सही है। तो सब मुझे यही कहते हैं, तो भाई साहब सब मुझे यही कहते हैं कि भाई तुम मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हो, इसी वजह से जो है ना तुम पढ़ाई नहीं कर पाते, तो तुम्हें पहले मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। तो भाई मोबाइल से तो कुछ भी नहीं होता, आजकल सारे बच्चों के साथ भी मोबाइल होती हैं, वो भी तो खेलते हैं, वो बड़े बड़े छोड़ो 10th मैट्रिक जिनके एग्जाम में होते हैं ना उनके पास मोबाइल होता है। तो भाई मोबाइल में कोई वो तो नहीं है, कोई टेंशन तो नहीं है, वैसे भी हम सब मोबाइल यूज़ करते हैं, कौन मोबाइल यूज़ नहीं करता है। और अगर आप लोगों ने अपने खाले की बेटी के साथ इस तरह का कोई चैलेंज रखा हुआ है या आप लोगों ने रखा था अभी इस रिजल्ट में, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप लोगों का क्या अंजाम हुआ, किसके ज़्यादा मार्क्स आए, आप क्या है, आपकी कज़न खाला की बेटी क्या है, या खाला की बेटी या मामू की बेटी जो भी हो, आप कितने उसके वहाँ ज़्यादा है या ओ भाई साहब मैं तो अपना चैलेंज हार चुका हूँ, सही है, बुरी तरह हार गया हूँ, बहुत दिल बहुत खपा हुआ है। अब्बू आए हैं तो अब्बू ने 2-4 बातें सुनाई है, लेकिन कोई नहीं, बोला है बेटा अच्छी मेहनत थी, इसके बाद और भी कोशिश करना कि 10 में अच्छे नंबर आए। तो इस तरह हौसला बढ़ाना चाहिए, ये मीन्स क्या खातिरदारी फूल लगाए हैं मेरे ऊपर, सही है, तो बहुत खातिरदारी की है मेरी, बहुत बातें सुनाई है मुझे। आपके साथ भी इसी तरह हुआ है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपके मार्क्स ज़्यादा है या आपके कज़न्स के मार्क्स ज़्यादा है। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। प्लीज़ अल्लाह हाफिज़।